लोग जो है कहीं कहीं कांडी प्रखंड से तो मझियाव प्रखंड से भंडरिया तकरीबन यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग आ चुके हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर की कोई माँ बाप है ही नहीं है। कब डॉक्टर लोग आएंगे इसका कोई आता पता नहीं है। यहाँ पर क्यों खड़ा है आप लोग? सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? विकलांग के लिए। बच्चा लोग सब विकलांग है तो डॉक्टर पास आए हुए हैं? आए हैं डॉक्टर साहब? कितना टाइम कितना हुआ? दिखाइए टाइम, दिखाइए। टाइम 12:22 हो गया और हम लोग सुबह 12:22 पर। ये डॉक्टर साहब का चैम्बर है? अच्छा, अंदर से भी लॉक है। ये डॉक्टर साहब का चैम्बर है, लोग जो है मरीज लोग जो आए हुए हैं बाहर से, काफी दूर से भी आए हैं, लेकिन सर का जो है चैम्बर खाली है, चेयर खाली है। और लोग जो है लगभग कितने लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं ताकि डॉक्टर साहब आएंगे? और अच्छा, एक मरीज क्या हुआ है इनको? विकलांग कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब तो है ही नहीं है, कैसे कीजिएगा? कहाँ जा रहे हैं? मदगड़ी। कहाँ पड़ता है? भंडरिया से। अरे बाप रे बाप, भंडरिया से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी में बैठते होंगे। 12:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और सारे लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं काफी दूर दूर से आए हैं, सारे लोग विकलांग हैं और कितनी परिस्थिति में, कितनी मजबूरी में ये आए होंगे। और ये भंडरिया से चलकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर लोग जो है यहाँ तक नहीं पहुँचे। अच्छा, आप लोग सब कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं दो बार। आप कांडी से आए हैं? क्या हुआ है? अच्छा, बच्ची विकलांग है, एक मासूम से बच्ची है, अब इसकी क्या गलती है? डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, इंतजार करते करते शायद लोग चले जाएंगे, फिर भी डॉक्टर साहब की पता नहीं है, चैम्बर उनका खाली है, काफी लोग जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पहली बार हुआ है? नहीं सर, मैं तो यहाँ 2 बार से आ चुका हूँ। हाँ। अपने मम्मी को लेकर के, और हाँ। लोग हैं जो बोल रहे हैं हमको यहाँ 5-6 बार आते हो गया। हाँ। डॉक्टर साहब से भेंट नहीं होता। अरे रास्ता छोड़ दीजिए, उनको आने दीजिए। हाँ। आपको 3 बार हो गया? हाँ। 3 बार में कभी भी मुलाकात हुआ? मुलाकात नहीं हुआ। अरे इससे अच्छा तो आप लोग पूजा पाठ कर लेते, भगवान ही आ जाते 3 बार में, 3-3 बार में डॉक्टर लोग नहीं आए। जा रहे हैं सर, तो वहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हम उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। हाँ। तो जाके आप लोग खुद ही देख लीजिए। हम बोले कि सर आपसे पूछ रहे हैं कितना बजे बैठते हैं, हम लोग 8 बजे से आए हैं, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब के बारे में हम लोग से मत पूछो, जाके खुद ही देख लो। डॉक्टर साहब के यही है, इसके बारे में हम विशेष पूछ रहे हैं। कौन हॉस्पिटल है, कहाँ पर है? सदर अस्पताल। आज के डेट में भगवान को पाना आसान बात है, लेकिन सदर हॉस्पिटल गढ़वा के डॉक्टर लोगों का पाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुश्किल हो चुका है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए थे? खरौंदी से। बच्ची के लेकर आए थे? बच्चा। अच्छा, कितना पहली बार आए हैं, किससे पहले भी आए थे? आप कब यहाँ पर पहुँचे हैं? 8 बजे पहुँच चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक नहीं है। इधर आप लोग मिराल बंका क्या करने आए हैं? अच्छा, इधर आप लोग भंडरिया से है? हाँ। क्या बच्चा की दिक्कत था? विकलांग था। अच्छा, पैर में कि हाथ में? हाथ से। कब आए हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पर? हम लोग 10 बजे आए हैं। 10 बजे पहुँच गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए वो बूढ़ी भी यहाँ के 3 बार से घूम रहे हैं। ये देखिए तकरीबन माँ की जो एज है, बूढ़ी माँ का कितना साल होकर होगी? सही से खड़ा नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है उनकी जो रवैया इतनी गलत है, जब तक बैठे ने कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों का। अच्छा, आप साथ में आए हैं? क्या है आपकी? आपकी मम्मी है। कब आए हैं? 10 बजे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है पता? देखिए टाइम दिखाइए, 12:26 हो गया है। डॉक्टर को आता पता नहीं है, और जिस हिसाब से मरीजों के यहाँ पर हालांकि भीड़ लगी हुई है, अगर डॉक्टर साहब आएंगे भी तो 2-4-5 लोगों का देख के चले जाएंगे, और इन लोग पुनः आएंगे और पुनः इन लोगों का नहीं देखा जाएगा। आप लोग 3 बार आ चुके हैं, ये 3 बार आ चुके हैं, लेकिन 3 बार में 1 बार भी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि भगवान का अगर इन लोग पूजा पाठ करते, उनके भरोसे रहते, तो 3 बार में दर्शन दे देते, लेकिन ये मरीजों लोगों का डॉक्टर जो है अभी तक नहीं दे। आप लोग कहाँ से आए थे? खरौंदी से। क्या दिक्कत था? अच्छा, हाथ और पैर में तकलीफ है। पहली बार आए हैं, किससे पहले भी आप लोग आए थे?
चार पांच खवा चुके हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, नहीं मिले। डॉक्टर साहब से कभी मुलाकात हुई? मुलाकात कभी हुआ तो ताकि हमारा ड्यूटी पूरा हो गया। अच्छा, उनका ड्यूटी पूरा हो गया, चल दिए आप लोग, बैठे लेके बैठे ले रह गए। वाह, डॉक्टर रमन हमसे बात करने लगे। कब? आज? आज बहुत हो गया। क्या, किस बात पे? 10 बजे। क्या बोलने लगे? इसी को लेकर के ऑनलाइन करा के हम लोग सीएस साहब से बात किए थे, बोले थे कि आप करा के यहाँ ले आइए, रमन डॉक्टर हैं। हाँ। तो उनके पास गए तो भड़क गए। हाँ। यहाँ कैसे तुम आ गए? हाँ। हमको, हाँ। कि हमको समझाने की बात कहिए, हाँ, भड़काने की बात मत कीजिए। हाँ। इसके बाद तो बोले कि यहाँ बैठने के लिए, फिर हम लोग वहाँ गए, फार्म वहाँ गए, विभाग में हम लोग फार्म जमा किए। हाँ। और देखिए कब तक आते हैं। हाँ। क्या मैंने इस बात पर भड़क के आप यहाँ कैसे आ गए? मरीज हैं खरौंदी प्रखंड से, पांच और लोग कहाँ बाहर में हैं? खरौंदी प्रखंड लगभग कितना दूरी होगा? यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर गढ़वा मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर से ये आपकी बच्ची है ना? नहीं, हम वहाँ के हमारे पति मुखिया। अच्छा, मुखिया पति है, और ये गाँव के आप लेके आए हैं? लोग जो है समाज सेवा लोग कर रहे हैं, लोग मुखियापति होते हुए भी लोगों को यहाँ तक ला रहे हैं ताकि उसकी सहयोग मिल सके, लेकिन प्रतिनिधि लोगों का भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और इस बच्ची का इलाज के लिए आए हैं। 12:30 बज चुका है लेकिन डॉक्टर का अता पता नहीं है, और डॉक्टर ये हॉस्पिटल जो है लगभग हजारों सैकड़ों का भीड़ लगी हुई है लेकिन डॉक्टर का अता पता नहीं है। उनका चैम्बर है 3 नंबर है, ताला लटका हुआ है, 13 नंबर है, सॉरी 13 नंबर है, ताला लटका हुआ है, और भाई साहब लोगों से हम लोग पूछ भी नहीं सकते हैं, पूछने से जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि जान ही रहे हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, कौन डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर को पता है? बोलते हैं डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर ही जानेंगे, हम लोग से मत पूछो, जाकर उधर ही मिलो। हाँ। बताते नहीं है कितना बजे बैठेंगे चाहे नहीं बैठेंगे। हाँ। बताने मत को 1100 रुपया टेम्पो बुक करके हर बार आते हैं, 2 बार हो गए हमको यहाँ पे। हाँ। और कुछ बात बोलते नहीं बैठते हैं, 2 बार आए हैं, 2 बार में एक ही बार भी चैम्बर खुला नहीं मिला डॉक्टर साहब। इस सप्ताह और अगले सप्ताह भी आए थे? इसके से पिछले सप्ताह। कहाँ से आप आए थे? हम मझियाव बूढ़ी खड़ से आ रहे हैं। मझियाव बूढ़ी खड़ कितना दूरी होगा? 38 किलोमीटर वहाँ से। आप लोग कितना दूरी से आए थे? हम तो आए हैं पुरहेस। कहाँ, कौन प्रखंड? मझियाव प्रखंड से लगभग 40 किलोमीटर आपका भी। इधर बाबा कांडी थाना, कांडी से कितना दूरी होगी? सारे लोग जो है कहीं कहीं कांडी प्रखंड से तो मझियाव प्रखंड से, भंडरिया से, भंडरिया तकरीबन यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग आ चुके हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर की जो टाइम टेबल है उसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं है, उसका कोई माँ बाप है ही नहीं है, कब डॉक्टर लोग आएंगे इसका कोई आता पता नहीं है। लोग आ रहे हैं, घूम के चले जा रहे हैं, और आते भी हैं तो 2-3 डॉक्टर को देखेंगे और वो भी लापता हो जाएंगे, भाग जाएंगे। पूछने पर उनसे जब बात होती है तो डॉक्टर साहब भी मरीजों को नहीं देखते हैं और टाइम कहकर भाग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं आज आए भी थे, कुछ लोगों के पास, कुछ डॉक्टर लोगों के पास मिले भी तो भड़क जाते हैं। अगर ये सवाल जो है किसी अन्य यहाँ के जो हॉस्पिटल के प्रबंधक कह लिया जाए या फिर स्टाफ, अगर किसी से सवाल अगर पूछ भी देते हैं तो यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों को करना पड़ता है, और गार्जियन लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर ड्रामा होने लगेगा तो परेशानी हो जाएगी, जो हमें इलाज जो करवाना है इलाज नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो दब जाते हैं और कह नहीं पाते हैं। हालांकि इसका सिस्टम जो है पूरा के पूरा देखा जाए तो पूरा हॉस्पिटल का यही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैम्बर हैं जो डॉक्टर का वो भी एब्सेंट है, वो भी नहीं मिलेंगे। हालांकि इसके ऊपर जो CS हैं, जो डॉक्टर कमलेश कुमार, उनको सख्त निर्देश देना चाहिए, और जितने भी डॉक्टर लोग हैं जो जिसका टाइम फिक्स किया हुआ है वो यहाँ पर आए। हालांकि हम आपको बता दें जितने भी डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी होता है, ये प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, उनको टाइम टेबल नहीं मिलता है, इसके वजह से यहाँ पर नहीं आते हैं। हालांकि जो डॉक्टर यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक में बैठने से फुर्सत ही नहीं मिलता है तो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी क्या करें। हालांकि यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो CS है, उनको निर्देश देना चाहिए जो उनका टाइम टेबल है, जो उनका एक समय जो निर्धारित किया गया है जो हॉस्पिटल में इतनी टाइम तक बैठना है, उनके ये टाइम पर बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठते हैं तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। इसके बाद यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो पेशेंट हैं, जो बाहर से लोग हैं, शायद उनके साथ जो नाइंसाफी हो रहा है उनको इंसाफ मिल सके। ये हमारा प्रयास सदर हॉस्पिटल गढ़वा से कैसा लगा, सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।